एवरीबॉडी, सो अनविका का जो सेकेंड बर्थडे था वो हो चुका है. टुडे इज 27th. यस, एंड आज मैं आपके साथ पे शेयर करने वाली हूँ बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ये वीडियो. बहुत ही सारे गिफ्ट अनविका को रिसीव हुए उसके बर्थडे पे. हमने कहाँ सेलिब्रेट किया मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया, आपने देखा होगा. जो भी फर्दर डिटेल्स आप चाहते हैं वो मैं आपके साथ में भी शेयर करूंगी दूसरे वीडियो में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. ये भी बताया, वो भी बताया, सब कुछ बताया, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. तो सेपरेट वीडियो में उसे कंटिन्यू करते हैं. फिलहाल आज मैं दिखाने वाली हूँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग की क्या क्या चीज़ें उसको मिली है बर्थडे में, और आप मुझे बताना कि आपको कौन सा गिफ्ट पसंद आया, क्योंकि इससे आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे कि आप उस साल के उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकते हो, क्या गिफ्ट दे सकते हो. आपको भी आइडियाज मिलेंगे. हमने खुद भी कुछ चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करी. एंड ऑल्सो रिटर्न गिफ्ट क्या थे आज मैं आपको रिवील कर ही देती हूँ. मतलब रिवील तो करना था बर्थडे ब्लॉग में ही, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो फन ब्लॉग जो है उसको फन ब्लॉग रहने देते हैं. अनविका बाहर ही है, ढूंढ के मैं चाहती हूँ उसको देखना. चलो फिर कंटिन्यू करती हूँ अनबॉक्सिंग के साथ. रिटर्न गिफ्ट हमें रिसीव हो चुके हैं आज ही. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने गिफ्ट उसे ऑर्डर किया था, एज एक्सपेक्टेड बड़ी टाइमली रिसीव हो गया. तो यहाँ पर ये पैकिंग भी फ्री रिसीव होती है आपको, अगर आप कोई भी तरीके का कितनी भी क्वांटिटी में रिटर्न गिफ्ट ऑर्डर करते हैं इससे. और इस बार तो मुझे एक पाउच भी रिसीव हुआ है, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको. ये एक पेन स्टैंड है जहाँ पर इसमें ये फोटो फ्रेम भी मिलती है, एक छोटी सी फोटो यहाँ पर, एक क्लिप भी है, एक ये पेन स्टैंड तो है ही, कार शेप है तो टॉय की तरह भी यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर ये फोटो फ्रेम भी है, यहाँ से एक छोटी सी फोटो लगाई जा सकती है. तो इट इज़ गन बी काइंड ऑफ कस्टमाइज वन, मतलब एक एक बच्चे का पर्सनलाइज भी हो सकता है. अगर आप इस पर फोटो लगा करके दे देते हो उनकी तो भी हो सकता है, नहीं तो वो खुद भी लगा सकते हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये वाला लिया. और इसमें कई सारे कलर्स भी हैं, सबके हिसाब से पिंक है, ग्रीन है, येलो, रेड है, सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल गया गिफ्ट उसे. हाँ, जो बेबी है प्यारा, जो बेबी है समझौता हो रहा है इधर वही ना जी. चलो लेट्स ओपन योर गिफ्ट. दीदी इज रेडी, गिफ्ट्स आर रेडी. सो कल था अनविका का बर्थडे, सो अमेजिंग. हम जा रहे हैं गिफ्ट ओपन करने, रात में तो टाइम मिला नहीं तो अभी हम ओपन करेंगे. वैसे मैं चाह रही थी कि अनविका खुद अपने गिफ्ट्स ओपन करें, लेकिन वो मूड में बिल्कुल भी नहीं, वो खेलने के मूड में. एक हमने अनिका ने अपना गिफ्ट ओपन कर लिया, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट गिफ्ट ओपन करने. कौन सा, विच वन, खुशी बताओ कौन सा वाला ओपन करेंगे. ओपन ओपन ओपन, ये बिजी हो गई है दीदी के टॉयज के साथ. बताओ बताओ कौन सा वाला ओपन करेंगे खुशी. ए खुशी बताओ कौन सा वाला गिफ्ट, खुशी बताएगी. खुशी बेबी 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 बिजी बेबी बिजी. ये किससे लिया है बताना है आपको. इस शार्वी दीदी की तरफ से. के लिए एक बैग बना रखा है जिसमें हम ये पैकेट डालेंगे, यामा नहीं फेंकना है. अनिका इतनी एक्साइटेड है गिफ्ट को ओपन करने के लिए, बस खुशी के जंगल में एक और जानवर आ गया है, पेंगुइन. कैसा है खुशी, ये खुशी देखो पेंगुइन आया है. खुशी, इसको कोई मतलब नहीं है ना, लिटरली
उसको सिर्फ अपनी दीदी का एक टॉय है वही चाहिए और बस। चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये किसने दिया है? विनय सिंह, विनय अंकल ने दिया है ये। इट्स अ ड्रेस, शो मी। या इट्स अ ड्रेस, हाँ इट्स फॉर खुशी ऑफ कोर्स, उसका बर्थडे था तो उसके लिए तो होगा ना। खुशी खुशी ये देखो, क्या है? खुशी को लिटरली किसी से कोई मतलब नहीं है, है ना? क्या है, क्या ये ड्रेस? ड्रेस देखो खुशी, ड्रेस। हाँ उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रिटी ड्रेस। अंदर ही हमें सारे गिफ्ट्स जो हैं वो रखते जाएंगे, जैसे कि चीज़ें मैसी नहीं होंगी, बेसिकली यहाँ पर चीज़ें मैसी नहीं होंगी जो कि मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न है। नेक्स्ट कौन सा? अनिका, खुशी बता दो कौन सा खोलेंगे गिफ्ट। जाओ, अनिका को उसके सेकेंड बर्थडे में बहुत इंटरेस्ट है, सिर्फ मैंने हेल्प की थी। दर्द हो गया भाई इनको, इसमें दर्द ही हो गया है। कौन सा वाला लेंगे इसमें से? ले लो कोई भी, जो भी लेना है। ये बड़ा वाला, इनके लिए बहुत सारे खिलौने आए हैं। बेबी बेबी जाना है क्या? क्या चाहिए? हो जाएगा आपको, दिन भर यही करना है, स्क्रीन में टाइम नहीं देना है, ये करना है। ये दिया है पार्थ और वामिका की तरफ से। चलो खोलो और, चलो अभी इसको ओपन करेंगे हम बाद में। नेक्स्ट ये वाला, ये दिया है हेजल ने। अनिका को इतना मजा आता है ना गिफ्ट ओपन करने में, ये मुझे मालूम है क्या है। मेकअप ना, अच्छा हुआ मेकअप हो गया अब उनको। ओ वाह सच अ प्रिटी मेकअप किट, ऊपर रख दो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये दिया है कुछ सॉफ्ट है, कनक और विराज भैया ने दिया है। कनक दीदी और विराज भैया की तरफ से ये वाला शायद से। बैग होगा, बैग है। क्यूट है। ओ इट हैज अ रैबिट। नेक्स्ट कौन सा? हाँ ये तो सबकी तरफ से है, मम्मी पापा की तरफ से है, खुशी के लिए। खुशी ये देखो क्या है, ये खुशी तुम्हारा फेवरेट वाला गिफ्ट, ये खुल रहा है जो ऊपर से उतरवा रहे थे। हाँ भूल गए, ये खुशी का फेवरेट वाला गिफ्ट है जो खुल रहा है भाई। इसका रिव्यू हम देंगे जल्द ही, सब गिर रहे हैं। तो इस गिफ्ट पे नेम मेंशन नहीं है, इस पे नेम मेंशन है। उसके अंदर हैप्पी बर्थडे खुशी धृति श्रीवास्तव। अच्छा चीकू का है, चीकू का है, ये चीकू है। अच्छा ज्योति आंटी, हाँ ज्योति आंटी। एक ड्रेस है, इसमें एक टॉप है, ये अनिका ओपन करेगी। एंड दिस इज अ, ओ वाओ दिस इज सो प्रिटी। ये किसने दिया है? हैप्पी बर्थडे डियर खुशी फ्रॉम मिष्टी एंड आदि, आदि और मिष्टी के साइड से। स्पेशली खुशी के लिए। वाओ इट्स प्रिटी। ये भी हमारे साइड से, मामा के साइड से है भाई। ओ खुशी के लिए एक ब्रेन गेम है, हम खुशी को दिखाएंगे फिर वो एंजॉय करेगी खेल के। नेक्स्ट गिफ्ट है ये वाला, ये मासी का है कि नाना का है? ये नाना का है। चलो नाना क्या लाए हैं? नाना के साथ तो खुशी गई थी शॉपिंग करने, पता ही है। खोलो शॉपिंग करने। ये खुशी के लिए ड्रेसेस आए हैं, ये खुशी का है। सो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दोनों ही लोगों के गिफ्ट आए हैं। ये खुशी का है और ये है अनिका का। अनिका का भी बर्थडे था तो नाना ने अनिका के लिए भी गिफ्ट लाया है। तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वाओ दिस इज वेरी प्रिटी। अनिका इसको पहनेगी, खुशी इसको पहनेगी, फिर हम फोटो क्लिक करेंगे। अब ये वाला नेक्स्ट है नाना, ये भी नाना वाला मुझे मालूम है। ये अनिका की ड्रेस है और खुशी की भी ड्रेस ऐसी सेम आई है, तो इनकी ट्विनिंग आउटफिट है। खुशी के लिए आया है ये वाला पैंट और खुशी के लिए आया है ये वाला टॉप जो खुशी बड़े होके पहनेंगी। खुशी के लिए आया है कैजुअल वेयर और खुशी के लिए ये वाली बहुत प्रिटी सी है, बहुत ही प्रिटी सी डंगरी है, बहुत ही प्रिटी सी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली।
पिंक कलर का गॉगल्स है, इसका मतलब फीमेल ही है। माशी का एक अनिका का है और एक खुशी का है। माशी लाई है ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस जिसे हम पहन के फोटो शूट कराएंगे, और ये तो बहुत ही क्यूट है। ये देखो इसके क्यूट क्यूट से दो दांत। कौन सा है ये वाला है? ये किसने दिया है? इसका नाम लिखा है। सो ये दिया है मुकेश फैमिली ने, ये अंकल है, पापा के साइड से अंकल है, उन्होंने दिया है। पियानो है। ये आपके पास और खुशी के पास, दोनों के पास ही पियानो हो गया है। वाह थैंक यू। ये आरिफ के साइड से, तो खुशी का फ्रेंड है छोटू सा आरिफ के साइड से। चलो इसको ओपन करते हैं। तो ये है स्टडी बुक जो कि अनविका को मिली है। वो प्रीटी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको ओपन करेंगे देखते हैं। म्यूजिकल बुक लग रही है मुझे, ऐसा लगता है। नाइस। नेक्स्ट अनिका ने निकाल लिया है ये वाला गिफ्ट, हम इसे अनबॉक्स करेंगे। और ये दिया है नरेंद्र अंकल ने। कपड़े हैं, कपड़ा है, हाँ ड्रेस है। ये कलर नहीं था ना खुशी के पास? नो। अच्छा है, प्रिटी है। किसका है नेक्स्ट, कौन सा ओपन करेंगे? ये सब पापा के ऑफिस वाले अंकल हैं, उनके साइड से है। ये है अगेन वन मोर ड्रेस, वन मोर पर्पल ड्रेस। आज क्या पर्पल डे है क्या? दिस ईयर इज पर्पल, एलिगेंट क्लासी। नेक्स्ट निकालो, इस पे एक्चुअली नाम मेंशन नहीं था किसका है, बस ये बैग ही मेंशन है। ये कोऑर्ड सेट है, ये अच्छा है, गर्ल्स को पहनना चाहिए। ये कौन है हमारे घर में, ये कौन आया? प्रिया वासी। नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये बैग रख लेते हैं, बैग काम आएगा। मैं हमने ये बैग रखे हैं जो कि अच्छे वाले हैं, यहाँ पे काम आने वाले, पैकेट भी अच्छा है। तो ये दिया है आहना दीदी ने, यानी कि ये खुशी का है। आहना दीदी ने एक और दिया है, वो लिखा था नहीं, ये दिया है श्लोक भैया ने दिया है। तो चीकू मैंने मानी है, इसके अंदर है फ्रॉम आहाना दीदी, इसके अंदर है पैसे, इसके अंदर है 500 रुपीज, इस फ्रॉम परी दीदी एंड विहान। इसको खोलना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से चिपकाया गया है। ये कट करके यहाँ पर 500 रुपीज है। थैंक यू। हम आ गए हैं आहाना दीदी के गिफ्ट पे। पहले इस पे देखो, टू चीकू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आहाना दीदी। है खुशी को, मस्ट बी अ गिफ्ट एंड अ ड्रेस। प्लीज ओपन करो। नाइस प्रिटी। ये वन शोल्डर है भाई, ये फैशनेबल है। ये भी खोलो, ये भी खोलो। ये सारे गिफ्ट अनबॉक्स करने में एक एक्टिविटी किट, इससे खुशी खेलेगी। सब आप ही खेलने वाले हो यार इसको, है ना? अन्ना के साइड से है ये, अनिका के लिए है। थैंक यू आना दीदी, थैंक यू आंटी माशी अंकल। तो पहनोगी ठंड में तो तुम ग्लो करोगी। तो ये भी आपके लिए है, ये आपको दिया है डियर फ्रेंड, ये आपके लिए है ना, उन्होंने दिया है आपको दिया। तुम्हारा भी बर्थडे था ना, इसलिए आओ ने तुम्हें भी दिया, वो बर्थडे में नहीं थे ना तुम्हारे। खुशी क्या क्या? तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये वाला, हैप्पी हो दीदी और दक्ष भैया ने दिया है, पापा के ऑफिस से। अच्छा हुआ मैंने ये नहीं लिया, लिटरली मैं ये लेने वाली थी खुशी के लिए। थैंक गॉड। ऐसा रेसिंग गेम होता है, यहाँ से डालो तो ऐसे ऐसे करके कार आती है बाहर। वाव, मतलब इसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे होकर के ट्रैक है, हाँ नीचे आते हैं, हाँ ये बच्चों के लिए होता है। चलो रख दो इसको। अनिका इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि अनिका का काफी काम हो गया है उसी में। अनिका के सेकंड बर्थडे पे भी मम्मी ने किचन सेट ही दिया था, और खुशी के सेकंड बर्थडे पे मम्मा ने किचन सेट ही दिया है। मेरा किचन सेट पूरा, तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी संभालो। ऐसा मैं खुशी के किचन सेट से भी खेलूंगी। तो ये सारी चीजों का हम रिव्यू करेंगे बाद में और खुशी को दिखाएंगे बाद में। सो दिस इज इट फॉर नाउ।
और ये खुशी, और अनिका ने दिया है खुशी को। प्रेस करके रखना है, प्रेस छोड़ दो। अभी टूट है। वाव, ये है किचन सेट। कुछ गिफ्ट मिस हो गए थे और कहाँ रखे पता नहीं चला, तो मैं दो से तीन चीजें और लेकर के आई थी। उसमें से है ये बैग, ये मैंने H&M से लिया था अनविका के लिए। अब अनविका यूज करे या फिर उसकी बड़ी बहन अनिका यूज करे, दोनों के लिए ही है। बहुत ही क्यूट और बहुत ही सॉफ्ट है ये बैग। ऑल्सो मैंने ये बेबी शार्क लिया था। मैंने आपको पहले बताया था ना कि फर्स्ट जो हम तीन रखने वाले थे वो थे बेबी शार्क, क्योंकि अनविका को वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट मुझे लगा कि नहीं, कोको मेलन करते हैं, ये ज़्यादा पिटी होगा, तो एक ये मैंने लिया है। इसका डेमो दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। एंड ऑल्सो एक ये पुश एंड प्ले वाला टॉय है, इसे इन्फ्लेट करना होता है, ये बहुत ही बड़ा साइज में आ जाता है। तो ये हमने अनिका को भी उसके सेकेंड बर्थडे पर दिया था, मतलब उसके मामा ने दिया था। तो मैंने सेम वही मेमरीज को रिकॉल करने के लिए ये लिया। और ये देखो बेबी शार्क वाला टॉय कैसे घूम रहा है यहाँ, बहुत क्यूट है। ये वाला गिफ्ट भी हमें बाद में रिसीव हुआ। तो ये है अनिका की फ्रेंड एंड ऑल्सो अनिका के पापा की फ्रेंड है उनके साइड से। इसमें अनिका के लिए कुछ बहुत ही क्यूट से प्यार से कपड़े हैं और ये बहुत ही प्यारा है। थैंक यू यार, गिफ्ट में टॉयज एंड कपड़े तो इतने सारे आए हैं, मुझे लगता है इनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी बर्थडे क्लोथिंग हॉल का, कि इसमें कौन कौन से कपड़े हैं खुशी को रिसीव हुए हैं, अनिका को रिसीव हुए हैं। कोशिश करूंगी ट्राई ऑन हॉल में शेयर करूँ, क्या बोलते हो। ये एक और गिफ्ट है जो कि हमें जो गेस्ट आए थे उनके साइड से, ये हमें बाद में रिसीव हुआ है। और ऐसे दो तीन गिफ्ट और थे जो कि मैं बाद में रिसीव हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक ये जो कार्ड एजुकेशनल वीडियो वाला जो गेम है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये मैं खुद भी परचेज़ करने वाली थी, बट ऐसा लगता है ना कि यार बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो कुछ दिन के बाद आप बच्चे को नए टॉयज दो, सो मैंने इसलिए छोड़ दिया और ये मुझे मिल गया। इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ लेने वाली थी वही चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉमन चीज़ें जो भी ट्रेंड कर रही हैं और सब लोग वही परचेज कर रहे हैं।